महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने राज्यसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान किया है। पिछले कई दिनों से पार्टी के स्टैंड को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में AIMIM के दो विधायक हैं। पार्टी ने कहा कि AIMIM के विधायक कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को वोट करेंगे। हालांकि राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टी ने शिवसेना के नेतृत्व वाली MVA सरकार के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। AIMIM महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कई ट्वीट्स किए। उन्होंने लिखा, बीजेपी को हराने के लिए AIMIM ने राज्यसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को वोट देने का फैसला किया है। हालांकि शिवसेना के साथ हमारे राजनीतिक वैचारिक मतभेद बने रहेंगे, जो MVA में कांग्रेस और NCP की साझेदार है। इम्तियाज जलील ने एक और ट्वीट में लिखा, हमने सरकार के सामने हमारे विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों धुले और मालेगांव के विकास के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। सरकार से MPSC में एक अल्पसंख्यक सदस्य को नियुक्त करने की मांग की गई है। साथ ही महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की आय बढ़ाने के लिए कदम उठाने की मांग की है। हमने मुसलमानों के आरक्षण की भी मांग की है। राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले इम्तियाज जलील ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के कई नेताओं के साथ मुलाकात की। इंडिया टुडे से जुड़े कमलेश दामोदर सुतर की रिपोर्ट के मुताबिक जलील 9 जून की शाम शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल से मिले। साथ ही उन्होंने डिप्टी CM अजीत पवार की ओर से NCP विधायकों के लिए आयोजित डिनर में भी हिस्सा लिया। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि इम्तियाज जलील ने ट्राइडेंट होटल में रात करीब 1 बजे शिवसेना के अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। इस मीटिंग में शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे, अनिल परब, सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और पार्टी नेता मिलिंद नार्वेकर भी थे। ये मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली थी। शिवसेना के मंत्री राज्यसभा में 2 वोट के बदले AIMIM की मांगों को पूरा करने पर सहमत हो गए। शिवसेना, कांग्रेस और NCP ने अपने विधायकों को मुंबई के अलग अलग होटल्स और रिजॉर्ट्स में रखा है। इन्हें वोटिंग से ठीक पहले विधानसभा ले जाया जाएगा। महाराष्ट्र में राज्यसभा के लिए 6 सदस्य चुने जाने हैं। सभी सीटों के लिए 42 वोटों की जरूरत है। शिवसेना, NCP, कांग्रेस के पास कुल 153 विधायक हैं। गणित अगर हम देखें तो वे तीनों सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर सकते हैं। हालांकि गठबंधन ने 4 उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा है। उसे छोटी पार्टी और निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। एक और सीट पर जीत के लिए 15 वोटों की जरूरत है। उधर बीजेपी के 106 विधायक हैं और वो 2 सीटें जीत सकती है, लेकिन बीजेपी ने भी 3 उम्मीदवार उतारे हैं। तीसरी सीट जीतने के लिए उसे 13 वोट चाहिए। विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी के 2, कांग्रेस, NCP और शिवसेना के 1-1 उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। आखिरी सीट के लिए मुकाबला शिवसेना और बीजेपी के बीच होने वाला है। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी साकेत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।